स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों, आज हम आपको तीन ऐसे दवाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो अंडा, चिकन और दूध का बाप रहता है। अगर आप इन तीनों दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो जितना आपको अंडा, चिकन या मछली में जितना प्रोटीन मिलता है उससे कहीं ज्यादा इन दवाओं में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं GND3 टेबलेट का, जो आपका मैकलॉड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसमें कैल्सी कैल्सीफेरॉल आपको 60,000 IU इसमें जो पावर रहता है उतना अगर इस एक कैप्सूल का प्रयोग आप कर रहे हैं तो उतना आपको मिल जाएगा जितना आपको दूध से नहीं मिलता है। अगर आप 10 गिलास या 20 गिलास दूध का प्रयोग करेंगे तब भी उतना इस दवा के बराबर उसमें कैल्शियम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो आपकी हड्डियों से होने वाली बीमारियां बढ़ने लगी। चलिए जानते हैं कि कैल्सी कैल्सीफेरॉल 60,000 IU टेबलेट का प्रयोग हमें किन बीमारियों में करना पड़ता है। दोस्तों, जब हड्डियों से जुड़ी कोई भी समस्या आपको होने लगती है या आपके हड्डियों में कमजोरी होने लगती है या आपके गठिया से कोई जुड़ी हुई कोई समस्या होने लगती है या आपका कोई भी ज्वाइंट पेन करता है या आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी हो गई है, विटामिन B9 की कमी हो गई, विटामिन B12 की कमी हो गई, तो उतने समय इस कैप्सूल को लेकर के आप अपनी इन सभी समस्याओं को आप सही कर सकते हैं। अगर आप 20 गिलास दूध का प्रयोग करेंगे तब भी उतना ताकत आपको नहीं मिल पाएगा जितना आपके इस एक टैबलेट या कैप्सूल में आपको मिल जाएगा। तो उतने समय अगर आपके ज्वाइंट में किसी भी प्रकार की समस्या है या आपके हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या है तो उतने समय इस कैप्सूल को लेकर के आप अपनी सभी समस्याओं को सही कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस कैप्सूल का खाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, इस कैप्सूल को आप हफ्ते में एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं। जितना आपको एक हफ्ते में कैल्शियम की जरूरत होती है उतना वह एक दिन में पूरा कर देगा एक ही कैप्सूल। उतने समय आप इस कैप्सूल को हफ्ते में लेते रहें या आप अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार या सहायता अनुसार इस दवा का प्रयोग करें। जितना जरूरत होगी डॉक्टर उतना आपको खाने की सलाह दे सकते हैं। अगला बात करते हैं IMAX XT कैप्सूल के बारे में। यह कैप्सूल जो है यह एरिस्टो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। अगर किसी भी इंसान, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, उनको अगर ब्लड की कमी हो गई है या एनीमिया से जुड़ी कोई भी बीमारी हो रही है तो उतने समय इस कैप्सूल को लेकर के आप एनीमिया से होने वाली बीमारी या समस्या को सही कर सकते हैं। उतना आपको ना तो मीट में मिलेगा, ना आपको मछली में मिलेगा, ना आपको दूध में मिलेगा। कोई भी चीज का प्रयोग करेंगे उतना आपको ताकत या उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा जितना आपको इस IMAX XT कैप्सूल में, आपको एक कैप्सूल में मिल जाएगा। दोस्तों, इस IMAX XT कैप्सूल में फेरस एस्कॉर्बेट एंड फोलिक एसिड मिलाकर के यह दवा तैयार किया गया है, जो आपके शरीर में अगर आपके खून की कमी हो गई है या सर दर्द कर रहा है या आपको बहुत ज्यादा थकान लग रहा है या आपका शरीर पीला पड़ गया है या आपको बहुत ज्यादा कमजोरी है या आपको सांस फूलने वाली समस्या है या आपका हाथ पर हमेशा ठंड रहता है जैसे बर्फ की तरह गलता है तो उतने समय भी इस कैप्सूल को लेकर के आप अपनी सभी समस्याओं को सही कर सकते हैं। या आपके नेल में या नाखून में कमजोरी आ गया है तो उतने समय भी इस IMAX XT कैप्सूल का प्रयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं इस कैप्सूल का प्रयोग हमें करना कब है। दोस्तों, इस कैप्सूल को आप खाना खाने के बाद सोते समय आप इस एक कैप्सूल को आप नॉर्मल या गुनगुने पानी के साथ इसे आप ले सकते हैं। इसको 24 घंटे में एक ही कैप्सूल आपको खाना है। अगला बात करते हैं A to Z गोल्ड कैप्सूल के बारे में। इसका प्रयोग हमें अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है, बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, अगर इस सब की समस्या आपको बन रही है तो उतने समय आप इस A to Z गोल्ड कैप्सूल को खा करके आप अपनी इन सभी समस्याओं को सही कर सकते हैं। दोस्तों, जिस इंसान को पोषण की कमी हो गई है, जिनको भोजन से नहीं मिल रहा है या बाहरी फलों से नहीं मिल रहा है या वह टाइम से इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं जिससे उनके शरीर में पोषण भरपूर रहे, जिससे उनको कोई भी शारीरिक समस्या ना हो, इम्यूनिटी पावर उनका कमजोर ना हो। इम्यूनिटी पावर कमजोर होगा तो बहुत सारी बीमारियां उन्हें ग्रसित करती रहेंगी। तो उतने समय यह जो कैप्सूल है A to Z गोल्ड, यह आपके शरीर में पोषण पहुंचाने का काम करती है। यह इसलिए कैप्सूल बनाया गया है। इस कैप्सूल में बहुत सारे इंग्रेडिएंट या तत्व
मिला करके यह कैप्सूल तैयार किया गया है जो आपके शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, क्योंकि अगर आपका शरीर कमजोर रहेगा तो आप बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगेंगे। तो उतने समय अगर आप भोजन से नहीं ले पा रहे हैं, भोजन टाइम से नहीं कर पा रहे हैं, या आप टाइम से फलों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उतने समय इस कैप्सूल को आप रात में सोते समय एक कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ ऐसे आप ले सकते हैं, या आप अपने डॉक्टर से सहायता के अनुसार इस दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी दवा किसी भी वीडियो में आपको लेने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कि कौन सा दवा किस बीमारी की दवा है। अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। हाँ, इतना आपको ये बताया जाता है कि इस बीमारी में यह दवा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो से सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर ना करते वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।